हेलो दोस्तों, वेलकम टू अमूल्य सिंह क्लासेस। दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज अमूल्य सिंह क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें लेटेस्ट अपडेट के लिए और प्रेस करें बेल आइकन हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि जो आपके री रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है वो 20th मार्च है। साथ साथ ही आपके एडमिशन की भी जो लास्ट डेट है वो 20th मार्च रहने वाली है, जो कि फर्दर एक्सटेंड की गई थी। अभी तक आपकी जो लास्ट डेट थी वो 10th मार्च थी, जिसे फर्दर एक्सटेंड करके 20th मार्च किया गया है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि क्या फर्दर इस डेट को एक्सटेंड किया जाएगा, तो आपको बता देना चाहता हूँ फर्दर ये डेट एक्सटेंड नहीं होगी, क्योंकि पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम है डेट को एक्सटेंड करने की। तो आपके पास सफिशियंट टाइम अभी भी है, आप जो है अपने आप को री रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अपना आप एडमिशन ले सकते हैं। मैक्स टू मैक्स री रजिस्ट्रेशन में आपका 10 मिनट्स लगते हैं, वो भी इसलिए क्योंकि कई स्टूडेंट्स की जो फीस पेमेंट है वो लेट होती है। री रजिस्ट्रेशन के लिए आपको कुछ नहीं करना, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है उस पर क्लिक करना है, चेक मार्क करना है, एक्सेप्ट करना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है, अपना एनरोलमेंट नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कैप्चर डाल के लॉगिन कर देना है। आपके सब्जेक्ट आपके सामने होंगे, आपको सिंपली आपको पेमेंट करनी है। पेमेंट जो है आपकी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग तीनों जरिए हो जाएगी, सिंपली आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक डाउट और आपका सॉल्व करना चाहता हूँ मैं। री रजिस्ट्रेशन में बहुत ज़्यादा बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि सर री रजिस्ट्रेशन हम क्यों करें, हमारा तो रिजल्ट ही नहीं आया। तो प्लीज़ सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है मेरी कि री रजिस्ट्रेशन जरूर करें, चाहे आपका रिजल्ट आया हो या ना आया हो, क्योंकि मैंने भी ये गलती की थी, मैंने भी अपना री रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था, जिसकी वजह से दिक्कतें आई थी। लेकिन मेरे को भी इसी तरह से किसी व्यक्ति ने समझाया था, जिसके बाद मैंने तुरंत अपना री रजिस्ट्रेशन करा लिया। साथ साथ ही एडमिशन की बात करूँ तो एडमिशन लेने में आपको 20th मिनट लगेगा टोटल मिला के। आपको कुछ नहीं करना, कुछ अपने डॉक्यूमेंट्स रखने हैं अपने साथ, जैसे कि आपका एक फोटो, आपका सिग्नेचर, आपका रेलेवेंट एजुकेशन सर्टिफिकेट, SC ST अगर आप हैं तो उसका सर्टिफिकेट लगा दीजिए, BPL कार्ड अगर आपके पास है तो उसका सर्टिफिकेट आप स्कैन करके रखिए, और इन सबको जो है 100 KB और 200 KB के फॉर्मेट में ही रखिएगा। स्कैन सिग्नेचर और आपकी फोटो 100 KB में रहेगी, बाकी आप 200 KB में रख सकते हैं अपने पास। जब आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट होंगे, सिंपली आपको इसे अपलोड कर देना है। फीस पेमेंट आएगी, फीस पेमेंट अगेन आपको नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड तीनों जरिए आपकी फीस पेमेंट होती है। फीस पेमेंट करने के बाद आपका जो है एडमिशन जो है हो जाएगा। एडमिशन जो है 48 आवर्स में आपको कंफर्मेशन हो जाएगा कि आपका जो है एडमिशन में कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स कई बार रिजेक्ट हो जाते हैं, बहुत ही रेयर चांस होता है लेकिन हो जाते हैं। बाकी 20th मार्च जो है आपकी लास्ट डेट रहने वाली है, तो फटाफट जाइए रजिस्टर करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।